मंगलाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने कृष्ण सुगुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपी सगुपिता कंच राधा कंच सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावने सरी हर्षन वेणु सनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरवाक्ष Sorry.
अभी प्रसाद बांटते सब आप भर लिया था 10 उसके बाद एक वो भजन गाना वो ये प्रभु जी इस कौन से हैं सीताराम सीताराम का सीताराम ये हमारे हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि हम लोग महाप्रभु की विचारधारा में हम लोग आए हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण राधा के भाव और कांति लेकर के मधुना इस कलयुग में महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों के जो सर्व संपदा यानी राधा प्रेम प्रदान कर रहे हैं। सर्व संपदा के संपदा सर्व माने सब संपद माने धन दामने जो दान करते हैं समस्त संपद की जो दान करने वाले हैं समस्त संपद क्या है क्या जो क्या होता है राधा प्रेम इसके ऊपर और कोई वस्तु नहीं है। राधा प्रेम साधन शिरोमणि चैतन्य चैतन्यमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जितने प्रकार की साध जो है गुर सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है राधा प्रेमी का। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो दुर्लभ वस्तु वह दुर्लभ वस्तु चैतन्य महाप्रभु समस्त जगत जीवों के प्रदान कर रहे हैं अर्थात जो राधा प्रेमी है और जिसके इस दुकान को किसे नाम रख दिया सर्व सर्वदा इस जगत में भी संपद हम चाहते हैं धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार ये भी एक संपद कहा जाता है। ये तो जीवन धारण के लिए अथवा हमारे शरीर के साथ संबंध जुड़े हुए हैं ये भी एक संपद है। जैसे गोधन कहा जाता है संपद चल अचल जितने भी होते उसके संपद भी कहा जाता है। चल माने जो चलने वाला है अचल जो चलते नहीं है एक स्थान में स्थिर है एक स्थान में स्थिर है उसे कहा जाता है अचल। इस समस्त वस्तु के देने वाले कौन है स्वयं भगवान है। भगवान की कृपा बिना हम कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते हमारे पूर्वजन की संस्कार के अनुसार हम कुछ प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो वस्तु हमारी उतना ही प्राप्ति होगी जो वस्तु हमारी उपलब्धि है पूर्वजन में मैंने जो करके रखा पूर्वाद वचितम धर्म पूर्वाद वचितम कर्म पूर्वाद वचितम विद्वान धावती 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 इस संसार में जितने भी वस्तु दिखाई पड़ते जाते स्थावर अस्थावर चल अचल ये सभी वस्तु पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार हमारे साथ चल चल रहे हैं। पूर्व जन्मानु कर्म अनुधावती पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें पीछे चलते जा रहे हैं किंतु एक वस्तु है उसका हम जानते नहीं इसलिए हम कभी दुखी हो जाते हैं कभी सुखी हो जाते हैं। सांसारिक वस्तु जब प्राप्ति हो जाता है हम सुख मानते हैं और सांसारिक वस्तु जब प्राप्ति नहीं हो जाता है तब हम लोग उसको क्या मानते हैं किंतु दुख सुख ये सब हमारे पूर्व निर्धारित है और कर्म के अनुसार में चलते जा रहे हैं। उतना ही आएगा जितने परिमाण प्रजन में आप वो कर्म कर चुके हैं इसलिए उसे कहा जाता है प्रारब्ध अप्राप्त कर्म और कर्म के फल वो हमारे साथ चलते जा रहे हैं। आज कितना प्राप्ति होगी कितना नहीं होगी सब भगवान के हाथ में विधि के विधान जाते हैं इसलिए कहते हैं सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखी राम विधि के विधान जान
डालना चाहिए। विधि के विधान जानो है हानि और लाभ, ये विधि के विधान ही है। विधि के विधान कैसे होता है वो हमारे पूर्वजन्म की प्राप्त कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्म में मैंने जो जो कर्म किया था अच्छी और बुरी, उस कर्मों के अनुसार ही हम हमारे साथ चलते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे सीताराम 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 कोई जाए भी दे राखे राम जाए भी दे रही सीताराम 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 कोई जाए भी दे राखे राम जाए भी दे रही जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में सीताराम 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 कोई सीताराम 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 कोई जाए भी दे राखे राम जाए भी दे रही विधि के विधान जान हानि लाभ सही विधि के विधान जान हानि लाभ सही सीताराम 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 कही सीताराम 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 कही जिंदगी के जोर सो हाथ बिना नाच के तू अकेला नहीं प्यार संतो का साथ में सीताराम 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 कही सीताराम 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 कही सीताराम सीताराम चिंता करने से अपराध हो जाता है। एक ही भगवान
अनंत रूप में प्रकाशित होकर के अनंत भक्त के अनंत समाधि जो है आस्वादन कर रहे हैं और आस्वादन करवा रहे हैं। चैतन्य महापुरुष की मूल प्रतीक माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधे के प्रेम का आस्वादन किया और उसके जो छीटे फूटे जो है थोड़ा सा जो है जब जीवन कर दिए। मेरे कहने की यह तात्पर्य जो है सर्व संपद जो आपके इसके नाम रखा है वास्तव ही है राधे के प्रेम हमारे कैसे प्राप्त है। इधर संसार की जीवन निर्वाह करने के लिए एकमात्र तरीका बताया गया, दुकान कोई करते हैं कोई और कुछ करते हैं, ये क्या चीज है? अपने जीवन और पारिवारिक जीवन के निर्वाह करने के लिए, समझ में निर्वाह समझते हो, चलाने के लिए पालन पोषण का ये करना है। जैसा हमारे भक्त ठाकुर भी कहते हैं जिकोना व्यवसाय धरी जीवन में जागो न करे, कोई एक बिजनेस लेकर के चले उसे दोष नहीं, क्यों हमें शरीर और शरीर संबंधी वस्तु के पालन पोषण करना है तो उसके लिए कोई बिजनेस करे कोई काम करे दोष नहीं। सत रूप में रहने के लिए प्रयास करें, असत धर्म छोड़कर सत्यम ही वह चाहिए, हो सकता है सत्य वस्तु की फल प्राप्ति होने में देर हो जाए किंतु कोई भी बात नहीं है किंतु समय प्राप्ति हो, इसलिए सत्य के ऊपर विश्वास रख करके कार्य करते हैं। यही हमारे शास्त्र की और चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं इसमें है। संघ चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञता होते हुए पर भी सबको जानते हुए पर भी लौकिक लीला आदि कर रहे हैं उसकी स्वयं भगवान सर्व समर्थवान है। अभी टाइम में एक बार कृष्ण के रिकॉर्ड एक पत्र आ गया, दोनों पत्र एक साथ में आ गए, एक युधिष्ठिर महाराज ने पत्र भेजा और दूसरी नरकासुर के द्वारा बंदी हुए जितने भी राजा थे 99 के नरकासुर के द्वारा बंदी हुए और राजा ने सभी लोग ने मिलकर के कृष्ण के निकट एक पत्र लिखा, हे गोविंद हे माधव हे मुकुंद आप हम लोग जीवन दान प्रदान करें, ये नरकासुर दुष्ट इस शिव की आराधना करते और सौ राजा राजा की जो बलि चढ़ाना चाहते हैं बलि चढ़ते और उससे वो विजय प्राप्त हो जाएगा। आपका उदाहरण तारक में विराजमान हो अपने स्वयं भगवान हो आप न्याय विचार आप दीजिए हम उद्धार करें और ठीक उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने एक पत्र लिख करके भेजा ब्राह्मण के हाथ में, उस वक्त पोस्ट ऑफिस नहीं था डिलीवरी नहीं था ब्राह्मण के द्वारा भेजा जाता, तो ब्राह्मण ने पांडवों के पक्ष होकर के पत्र लिख करके दिया किसको कृष्ण। पत्र में ये लिखा था युधिष्ठिर महाराज ने लिखा हे मित्रवर कृष्ण हम राजस्व यज्ञ करते हैं आपके आप ही हमें दिशा निर्देश करें कैसे चलना है क्या करना है और आपकी उपस्थित बिना हम कुछ करने कर नहीं करने पाएंगे, आपके साक्षात रूप में उपस्थित और आप ही स्वयं उपस्थित होकर के हमें जैसे दिशा निर्देश प्रदान करेंगे उसी के अनुसार हम चलेंगे। ये पत्र स्वयं भगवान सर्वअंतर्यामी में सबको जानते हुए पर भी क्या करना नहीं करना तो भगवान को स्वयं संपूर्ण है किसको दिन थोड़ी है। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, न युधिष्ठिर क्या उद्धव को बुलाया, उद्धव को बुलाया, उद्धव मंत्री थे ना विष्णु प्रबल मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा और उद्धव बुद्धि सत्मा उद्धव को बुलाया, उद्धव के बुलाकर के स्वयं भगवान ये प्रश्न पूछने लगे उद्धव तुम तो विचक्षण हो जानते सब कुछ बताओ मुझे क्या करना चाहिए। नरकासुर के बंदीशाला में
भी राजा से बनते है उनको उद्धार करना ये मेरा कर्तव्य है। पहले कि राजस्व युग में पांडव के साथ जाना है, दोनों पत्र एक ही साथ में इसको उत्तर जो निर्णय ले रहे थे संघ भगवान स्वतंत्र शिक्षा में उसको किसी के ऊपर थोड़ी निर्णय लेते तो संघ निर्णय लेने वाले तथापि सर्व अंतर जब भगवान सबको जानते उद्धव के कारण उद्धव तुम बताओ उस समय उद्धव ने सुंदर गजल की बात बताई बहुत सुंदर प्रभु आप यदि हमारी बात पर स्वीकार करें अनुमति दे तो मैं ये बताता हूँ। पहले आप नरकासुर के जेल में जो राजन लोग बंदी बना हुआ बंदी रूप में उनको मुक्त कराइए और इसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज के राजस्व युग में आप पधारिए। इससे आपकी जस ख्याति मान बढ़ेगा क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान का अंतरंग है। हम किसके पास जाएंगे जो हमारे अंतरंग ये राजा लोगों के साथ कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं था किंतु युधिष्ठिर पांडवों के साथ संबंध है। हम विचार करेंगे तो हम अपने मित्रों के पास पहले चले इसके बाद दूसरे के किंतु भगवान ये द्रुव क्या बोले उद्धव ने क्या कहा नहीं प्रभु पहले किसके पास चले नरकासुर के जेल में जो 99 जो राजा जो है बंदी बना हुआ है उनका मुक्त कराइए। भगवान ने कहा उद्धव क्यों ऐसे तुम सलाह दिए उद्धव ने कहा देखो प्रभु आप सर्वांतर जाने वाले सब कुछ जानते हो तथापि लोक शिक्षा के लिए आप मुझे बता रहे हो इसलिए आपके आदेश के अनुसार मैं बताता हूँ। उद्धव ने कहा यदि आप पहले नरकासुर के वध करके और वो 99 जो है राजाओं के यदि उद्धार किया तो सारे राजा लोग आपका ही अनुगत स्वीकार करेंगे आपके आभारी रहे समझ गया और वही लोग आपके साथ पीछे अनुगमन करेंगे राजस्व युग कोई अकेला जाते हैं परिकर के साथ जाते हैं लोग उसको दृष्टि देते हैं और उससे आपकी जय जय ख्याति होगा समस्त राजा लोग जेल से मुक्त होकर के आपकी जसगान करेंगे आपके पीछे पीछे धावित इसलिए मेरे तो विचार यह है पहले वो समस्त राजाओं के प्राण को जो है आप बचाइए। एक व्यक्ति मरने वाला है उसका प्राण बचाने से पहले कर देता है राजस्व जगदादि तो बाद में भी हो सकता है किंतु जो व्यक्ति जेल में बंधे हुए है नरकासुर दुराचारी कब उसके बुद्धि पलट जाए क्या हो जाए कौन जाने इसलिए आपका भी खुदना अभी कर्तव्य है क्षणकाल अपेक्षा नहीं कर रखे अपेक्षा नहीं करके अभी आप नरकासुर की जेल की ओर प्रस्थान करें और राजाओं की जय धार करें। तो भगवान इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हो ये उद्धव तुम जैसे बुद्धिमान न हो तो ना हो बुद्धि के साथ कर इसलिए भगवान पर हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए कहते जाहे विधि राखी राम ताहे विधि रहिए विधि के विधान जान फल आशा त्याग सुबह काम करते रहिए समस्त फल आशा फल की आशा त्याग लेकर के निष्ठार्थ होकर के सेवा करें परोपकार करें ये हमारे वेद उपनिषद समस्त शास्त्र की सार कहा है। जितने प्रकार की परोपकार है समस्त परोपकार किस में है भगवत नाम प्रचार आदि। एक व्यक्ति के वस्त्र नहीं एक वस्त्र दे दिया 6 महीने के बाद उसके वस्त्र फट जाएगा कि नहीं जाएगा फिर 6 महीने आपको वस्त्र देना पड़ेगा फिर सारा जीवन उसके देते रहो तब भी प्रसन्न नहीं है समझ। कुछ ब्राह्मण जो है जितने दान दोगे ना दान लेकर के उनके पेट भर जाए तब भी वो प्रसन्न नहीं होंगे पेट भरता ही नहीं है। कलयुग में तो देखा जाता है ज्यादातर ब्राह्मण जितने हैं उनके पेट भरता ही नहीं
और वो आप देने पर भी वो गाली गलौज करता रहता है। देखे कैसे मथुरा वृंदावन जगन्नाथ में जाओ, पांडवों की ऐसी ये बन जाता है। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, उद्धव इसकी कह रहे हैं, उद्धव पहले उद्धव कहने लगे प्रभु आपको पहले कहाँ जाना चाहिए? नरकासुर के पास जाना चाहिए, उसके उचित दंड दे करके और उनके जेल में जितने राजा लोग है जो बंदी बना के रखा है उनके जेल से मुक्ति कराएंगे, मुक्त कराएंगे, उन लोगों के प्राण लुटाएंगे। भगवान करने दृष्टि तुम्हारी मनोभूतर तुम्हारी विचार जो दिवस होता है। तो यहाँ पर शिक्षणीय विषय क्या है, मोरालिटी क्या है, ये भगवान के प्रति हम विश्वास रख कर विचार अपने कर्म करो तो आती रहा जाएगा जाती रहे। हम देख देखते 2019 चलते जा रहे हैं, फिर देख देखते 2019 भी खत्म हो जाएगा, फिर 2020 ना जी नहीं, ऐसे अनंत काल से अनादि काल से ऐसे चलते जा रहे हैं। क्योंकि काल की प्रभाव जब अनंत काल से चलते जा रहे हैं, इसकी कोई समाप्ति नहीं है, समाप्ति है नहीं समाप्ति। इसलिए रावण महाभारत में इसको भी दिखा रहे हम उसी धारा में चले थे, अनादि अनंत पुरुष के लिए भी हम चलते रहे और भजन करते रहे। बहुत प्रेमानंद जाना है ना फिर। और सब ठीक है आपकी सुबह ना?